श्रीनगर में शहीद हुए अशोक कुमार को नम आंखों से विदाई दी गई। शहीद अशोक कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव देहरू में किया गया। अशोक कुमार श्रीनगर में सीआरपीएफ की नाका पार्टी में शामिल थे और उनकी पार्टी पर अचानक आतंकी हमला हुआ जिसमें अशोक कुमार शहीद हो गए। देर रात को शहीद अशोक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव देहरू लाया गया। सुबह ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार से पहले विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शहीद को श्रद्धांजलि दी व फूलमालाएं अर्पित की। सीआरपीएफ के जवानों ने भी शहीद को सलामी देकर अंतिम विदाई दी। शहीद अशोक कुमार के 12 वर्षीय बेटे आदित्य ने मुख अग्नि दी। शहीद अशोक कुमार की शहादत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। शहीद की पत्नी सुषमा देवी का कहना है कि उनके पति देश की रक्षा करते हुए देश के लिए कुर्बान हुए हैं और वह खुद व उनके बच्चे को भी देश पर न्यौछावर करना चाहती है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शहीद के परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों से हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों को हमारी सेना कभी भी पूरा नहीं होने देगी। अक्सर लोगों का हेलो मजरा से आए सारे अफसर लोगों का, जवानों का, जितनी भी पब्लिक यहाँ आ रखी है उनका धन्यवाद करती हूँ। वो इतनी मुश्किल से मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ हैं। और सर, मैं शहीद अशोक कुमार की वाइफ हूँ। शहीद हो गए सर, वो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, देश के लिए कुर्बान हो गए सर। मैं खुद भी देश की हिफाजत के लिए सोचती हूँ, मैं भी कोई कदम उठाऊं और मैं इन बच्चों को भी देश की सेवा का मौका देना चाहती हूँ, खुद भी मौका लेना चाहती हूँ। ठीक है, खुद भी मौका लेना चाहती हूँ। मेरे को बहुत गर्व है, मेरे को बहुत गर्व है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ड्यूटी करके घर आ जाते हैं, सर ये ड्यूटी करके घर नहीं आए, ये ड्यूटी करके शहीद हो गए सर। ये ड्यूटी करके मैं शहीद की पत्नी हूँ, उसके लिए शहीद की पत्नी हूँ, उसका मैं नारा लगाती हूँ, अशोक डोगरा हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। बटालियन जो हमारी कश्मीर में तैनात थे, बिल्कुल सेंसिटिव एरिया में है, वहाँ पर पोस्टेड थे और इसके पहले भी ये छत्तीसगढ़ में ड्यूटी कर चुके हैं, जो कि बहुत ही विषम परिस्थिति की एरिया है और अपने काम में बहुत ही माहिर है। और इस दौरान में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कभी कभी कि अचानक कोई एक स्नेक अटैक होता है, तो उसमें रिएक्शन टाइम बहुत कम रहता है, तो उसमें इनको गोली लगी। और एक और हमारे साथी हैं जो कि त्रिपुरा से हैं, वो भी उनको भी शहादत हासिल हुई। बड़ी वीरता के साथ में इन्होंने उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब ये हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद में उनके प्राण। किस तरह जो हमला हुआ था, कौन थे, जिम्मेदारी किसने ली थी हमला? ये तो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है ये कश्मीर में, जैसे आप सभी जानते हैं, तो उसी में एक ग्रुप है तो उन्होंने किया है, जिसमें कि फॉरेन मिलिटेंट्स भी थे, दो फॉरेन मिलिटेंट्स थे एक लोकल था, और उनके अभियान चलाया जा रहा है उनको धरपकड़ करने का। उसमें से एक को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, गाड़ी पकड़ लिया है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ ऑपरेशन चल रहा है हमारे में और आने वाले दिनों में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और छोड़ा भी जाएगा।